अमृतसर में रावण दहन मेले के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से 61 लोगों की जान चली गई। हादसे का वीडियो वायरल होने पर ट्रेन की स्पीड को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। सभी का कहना है कि ट्रेन का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इस दुर्घटना को टाल नहीं सकता था क्या? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है इमरजेंसी ब्रेक तुरंत बस, ट्रक या ट्रेन को रोक देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तेज रफ्तार से भागने वाली ट्रेन में अगर इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दिए जाए तो दुर्घटना को टालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि और बड़ी दुर्घटना होने का भी अंदेशा रहता है। असल में ब्रेक लगने के बावजूद कई टन भारी ट्रेन आगे बढ़ जाती है। व्हील स्लिप का खतरा टालने के लिए भी इंटेलिजेंट ब्रेकिंग की जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ड्राइवर इतनी रफ्तार में इमरजेंसी ब्रेक लगा देता तो ट्रेन पलट सकती थी, ऐसे में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती थी। विशेषज्ञ की माने तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन कुछ दूरी तय करती है, ये उसकी स्पीड पर निर्भर करता है। अगर किसी ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन 800-900 मीटर की दूरी तय करेगी। वहीं अगर कोई मालगाड़ी है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद वो 1100-1200 मीटर जाकर ही रुकेगी, जबकि DMU 625 मीटर चलने के बाद रुकेगी। कुल मिलाकर ट्रेन की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसे उतनी ही दूरी से पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाना जरूरी होता है। आपको बता दें, उत्तर मध्य रेलवे में तैनात जिले के एक लोको पायलट के अनुसार ट्रेन के हर डिब्बे में एयर ब्रेक पाइप होता है। इसमें 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर रहता है। ये प्रेशर नायलॉन के ब्रेक शू को आगे पीछे करता है। जैसे ही प्रेशर कम किया जाता है तो ब्रेक शू पहिए से रगड़ खाता है और ट्रेन रुकने लगती है। सामान्यतः एक बार ट्रेन को रोकने में करीब 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर खत्म होता है। स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद हर डिब्बे के नीचे लगे कंप्रेसर से 1 मिनट के भीतर फिर से प्रेशर 5 KV कर देते हैं और ब्रेक शू पहिए से अलग हो जाते हैं। आमतौर पर लोग, जानवर, गाड़ियां अचानक ट्रेन के सामने आ जाते हैं, ऐसे में लोको पायलट के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का समय नहीं होता। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन काफी दूर जाकर रुकती है, ऐसे में चालक चाहकर भी इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा पाता। चालक को ट्रेन की लाइट के दायरे में आने वाले केवल 1-2 पल का ही दिखाई देता है। अगर आधा किलोमीटर आगे कोई खतरा है तो लोको पायलट उसे नहीं देख पाता। ऐसे में जब अचानक में चीज सामने आती है तो चाहकर भी लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा पाता। तो ऐसे में आप भी समझ ही गए होंगे, चाहकर भी लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा सकता था, क्योंकि अगर पायलट इमरजेंसी ब्रेक भी लगाता तो मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।